नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, ये जो आम आदमी पार्टी और आम आदमी बनकर आए थे अरविंद केजरीवाल साहब, ये इतने बड़े लग्जरी के, मतलब आप समझिए, इतने बड़े लग्जरी के पसंद करने वाले लोग हैं जिसका जवाब नहीं है। बेचारे कपड़े तो, क्योंकि इन्होंने भेष ऐसा बनाया था, कपड़े ऐसे पहन लेते हैं, पापा की कमीज और पैंट, रेनॉल्ड का पैंट भी लगा लेते हैं, नीचे चप्पल भी पहन लेते हैं, लेकिन अंदर से ये बड़े लग्जरी फील करने वाले लोग हैं। ये काम इन्होंने अपनी, इन्हें लग्जरी की कैसे फीलिंग ली जाए, कैसे मसाज कराई जाए, कैसे होटलों में लग्जरी का मजा लिया जाए। फाइव स्टार होटल तो इन्हें पसंद ही नहीं है बॉस, ये तो जाकर सीधे सेवन स्टार होटलों में ठहरते हैं, जहां पर 5,000-5,000 रुपए की तो एक पानी की बोतल होती है, 12,000-15,000 रुपए की जो एक प्लेट है खाने की वो होती है, ऐसी जगहों पर सेवन स्टार होटल में। और इसके बाद भी तुर्रा ये कि बिल पे ना करेंगे, भैया हम तो सीएम है, बड़े लग्जरी फील करने वाले लोग हैं, तो बिल क्यों, कौन पे करेगा इनका? बिल पे करेगा हवाला ऑपरेटर। जी हाँ, हवाला ऑपरेटर शराब घोटाले के अंदर रिश्वत लेने के बाद 100 करोड़ रुपए की, और उसमें से 45 करोड़ रुपए हवाला द्वारा भेजकर गोवा के अंदर जो अरविंद केजरीवाल ने सेवन स्टार ग्रैंड हयात होटल में जो मौज मस्ती की, लग्जरी स्वीट में ठहरे ये, और जिस तरीके से इन्होंने वहां पर मौज की, वो जो बिल था वो बिल पे किया एक हवाला ऑपरेटर चरण सिंह चन्नी ने, जो अब ईडी की गिरफ्त में आ चुका है और ईडी ने जिसे गिरफ्तार कर लिया है, और वो लगातार इनके खिलाफ अपने बयान दर्ज करा रहा है। अब ये जो बिल है ग्रैंड हयात होटल के लग्जरी स्वीट का जो बिल है, वो अब अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन चुका है। फांस इसलिए बन गया है कि ईडी ने वही बिल कोर्ट के सामने रख दिया है कि अरविंद केजरीवाल साहब का बिल है, इतने दिन से इतने दिन तक ठहरे थे, ये चरणजीत सिंह चन्नी का बयान है कि हवाला ऑपरेटर है वो और उसने ये बिल पे किया है। अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस गए हैं और बौखला गए हैं। कौन भला? अभिषेक मनु सिंह भी बुरी तरीके से बौखलाए हुए, क्योंकि एक भी पासा अगर अरविंद केजरीवाल के लिए अभिषेक मनु सिंह भी का गलत पड़ गया तो समझिए उनकी राज्यसभा की कुर्सी तो गई। बेचारे हिमाचल से चाह रहे थे, वहां से भी नहीं बन पाए, इनकी तो बदकिस्मती है बॉस, इनके हाथ में राजयोग है ही नहीं, बस ऐसे ही चुनाव, ऐसे ही बस लड़ते रहो। अब वो खत्म, मिट गई वो रेखा, इसलिए इनको किसी भी रूप में अब राज्यसभा शायद नहीं जा सकते, क्योंकि तो जैसे ही अरविंद केजरीवाल फंसेंगे, अभिषेक मनु सिंह भी की सबसे पहले क्रॉस मार दिया जाएगा राज्यसभा की कुर्सी पर। तो ये जो बिल है ये बुरी तरीके से अब फंस गया है अरविंद केजरीवाल के गले में। और सबसे बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने अब आरोप पत्र भी पूर्ण रूप में जिस रख दिया है कोर्ट के सामने, जिसमें अरविंद केजरीवाल को गोवा के जिस सेवन स्टार होटल में रुके थे उसका बिल अब आपके लिए मुसीबत बन गया है, और अरविंद केजरीवाल उस बिल के चक्कर में फंस चुके हैं बुरी तरीके से। ईडी के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावजा की राउस एवेन्यू कोर्ट में अपनी 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते हुए शनिवार को इसके संज्ञान पर फैसला लेगी कावेरी बावजा की अदालत, जो उन्होंने ईडी ने यह चार्जशीट दाखिल की है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट 7वीं, क्योंकि मामला दायर होने तक वह अदालत छोड़ चुकी थी, इसलिए उस दिन इस पर फैसला नहीं हुआ। अब अरविंद केजरीवाल ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी
ईडी की जो अभियोजन शिकायत में आरोपी के रूप में उनका नाम लिया गया है वो भी अब बहुत बड़ी बात बन चुकी है। ईडी ने अपने आरोप पत्र में केजरीवाल का नाम अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसबी राजू द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट को जो चार्जशीट रखे उसमें बताया और उसके एक दिन बाद आरोपी के तौर पर शामिल कर लिया। ईडी की ओर से पेश होते हुए एएसजी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी राजू हैं उन्होंने कहा कि ईडी के पास यह दिखाने के लिए सबूत है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की थी जो गोवा चुनाव खर्च के लिए आपको दी गई थी, ये रिश्वत 100 करोड़ की, और वहां 7 स्टार होटल में उनके ठहरने के प्रत्यक्ष सबूत भी हैं। आंशिक रूप से एक आरोपी द्वारा जो वित्त पोषित होता है किया जा रहा था उसने रिश्वत का एक हिस्सा प्राप्त किया था, यानी कि चंदप्रीत सिंह चन्नी ने। केंद्रीय एजेंसी ने पहले कहा था कि केजरीवाल उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में सीधे तौर पर शामिल थे जिसे साउथ ग्रुप को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। साउथ ग्रुप देश के दक्षिणी भाग के व्यक्तियों के एक समूह को संदर्भित करता है जिसके बारे में ईडी का दावा है कि उसने बेरोक टोक पहुंच हासिल की, अनुचित लाभ प्राप्त किए और स्थापित थोक व्यापारी जो खुदरा व्यापारी थे शराब के उनको जो पैसा दिया गया हिस्सेदारी दी गई उसमें उसी के हिसाब से ये पूरी नीति तैयार की गई थी और बदले में आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि साउथ ग्रुप से प्राप्त रिश्वत को 2021-22 में आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के कैंपेन में लगाया था। ये पूरे जो एएसजी है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू उन्होंने अदालत में कावेरी बावेजा की अदालत में ये सारी बातें बता दी हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये सारी चीज पेश कर दी है और सबसे बड़ा सबूत जो रखा है वो रखा है ग्रैंड हयात, गोवा के ग्रैंड हयात 7 स्टार होटल का वो बिल जिसमें के अरविंद केजरीवाल लग्जरी सुविधाओं के लिए सुविधाओं में मौज मस्ती करते हुए पकड़े गए हैं। ये सारी जो लग्जरी सुविधाएं वो ले रहे थे वहां, वो पूरा खुलासा हो गया है इस बात का कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से लग्जरी पसंद व्यक्ति हैं। वो लग्जरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, 7 स्टार होटलों में मौज मस्ती करना उनका सगल रहा है। आपको याद होगा इससे पहले एक उनकी वीडियो वहां की भी आ चुकी है जो ये गुजरात के होटलों में ठहरे थे 5 स्टार लग्जरी 7 स्टार होटलों में और वहां पर भी इन्होंने लग्जरी स्वीट्स बुक कराए थे अपने लिए। तो ये सारी चीजें अब अरविंद केजरीवाल के गले की लगातार फांस बनती जा रही हैं और आम आदमी पार्टी से जवाब देते हुए बन नहीं रहा है। इसी बात के लिए अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील को हायर किया गया है जो 10 से 15 लाख रुपए एक पर हियरिंग के हिसाब से पैसा लेता है और बदले में एक बड़ी रिश्वत यह भी दी गई है कि उन्हें राज्यसभा से नॉमिनेट करके उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, जिसके लिए स्वाति मालीवाल कांड हो गया और अब राघव चड्ढा को बुला लिया गया है कि भैया तू लिख दे अब। तो ये एक बड़ा मामला, बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है जिस शराब घोटाले और जिस 100 करोड़ रुपए की रिश्वत से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अभी तक मना करती आ रही थी, बचती आ रही थी, वो अब फंस चुका है पेच। और सबसे बड़ा, आम आदमी पार्टी ये भी शो नहीं कर पा रही है कि जो लग्जरी होटल का जो बिल था वो अगर आम आदमी पार्टी ने दिया था तो आम आदमी पार्टी की किताबों में वो शो होना चाहिए, वहां पर भी शो नहीं हो रहा है। और अब वो ऐसा कह नहीं पाएंगे क्योंकि वो बिल जिसने पे किया था हवाला ऑपरेटर ने चंदप्रीत सिंह चन्नी ने वो अब ईडी की गिरफ्त में है। तो अब ये पूरा पेच फंस गया है और अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर लग्जरी मौज मस्ती करने का जो चांस उन्हें दिया है किस्मत ने वो अब शायद खत्म होने वाला नहीं है सिलसिला। केजरीवाल बुरी तरीके से फंस गए हैं इस पूरे स्कैंडल में और ये स्कैंडल उनके गले की फांस बनता जा रहा है क्योंकि ईडी ने ऐसी ऐसी चीजों को पकड़ लिया है
जिनको अरविंद केजरीवाल मानकर चल रहे थे कि वो जल्दी से पकड़ में नहीं आएंगे, उनको सबको डिलीट कर दिया गया था। देखिए दुर्गेश पाठक और जो इनका ब्लू आइड बॉयज था वो भी इस मामले में अब ईडी के खड़पच्चे में आ चुका है, विजय नायर। इसके अलावा के कविता भी अंदर बैठी है जिसने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इसके अलावा जिसके जरिए से पैसा दिया गया था बुच्ची बाबू, जो कि के कविता का चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसके बयान है 164 के और डिजिटल बयान है। तो कुल मिलाकर अभिषेक मनु सिंह भी हो चाहे कोई भी हो, वो इन सब चीजों को ईडी की जो ये दलील है, ईडी के जो ये डिजिटली और मैनुअली सबूत है, इनको किसी भी तरीके से नकार नहीं पाएंगे। यानी कि जो अरविंद केजरीवाल ने जिन चीजों को बहुत हल्के में लिया और जिन पर इनकी नजर नहीं पड़ी, उन चीजों को ईडी ने अब लगभग जुटा लिया है अपने लिए। और ये जो बिल है, गोवा के ग्रैंड हयात होटल का जो बिल है, लग्जरी स्वीट का, वो बिल अब ईडी के पास है और ईडी ने पटल पे रख दिया है अदालत के सामने। ये अब सबसे बड़ा सबूत बनेगा अरविंद केजरीवाल के लिए। यानी कि अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरीके से शराब घोटाले के मामले में फंस चुके हैं और फंस चुकी है आम आदमी पार्टी। अब क्योंकि जो ईडी की सप्लीमेंट्री चार्ज सीट है उसके अंदर अरविंद केजरीवाल का नाम आ गया है, आम आदमी पार्टी का नाम आ गया है, तो जल्दी ही इन पर दोनों पर एक्शन होगा। और एक्शन होगा तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर जब ये मामला इनको आरोपी बना लिया जाएगा और अदालत इन पर संज्ञान ले लेगी, तो ईडी सबसे पहले चुनाव आयोग जाएगी और चुनाव आयोग को कहेगी कि इनका सैंपल कैंसिल कर दिया जाए। तो यानी कि आम आदमी पार्टी खत्म तो अरविंद केजरीवाल खत्म, बहुत बड़ी बात है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।